नमस्कार दोस्तों, मेघालय की भी भर्ती आ चुकी है। लेकिन इसके पहले कि आपको मैं आगे बढ़ूं, बता दूं कि अगर आप दूसरी स्टेट से रहने वाले हैं, किसी और अदर स्टेट के, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटका, ठीक है, असम वगैरह के, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपनी नोटिफिकेशन अभी से देख लीजिए कि आपकी भर्ती कब आने वाली है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पेज समझ आया क्या .in का एक लिंक मिलेगा, आप उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे ना बिल्कुल नीचे आना, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा डाउनलोड लेटेस्ट इंडियन आर्मी रैली भर्ती लिस्ट 2020-21, इस पे क्लिक कर लेना। तो इसके अंदर पूरी स्टेट्स, अदर स्टेट का भी बताया हुआ है कि उनकी भर्ती कब कब से लेके आने वाली है। तो ये पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आना है इस पेज पे, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। फिलहाल हम पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं भर्ती के बारे में, ठीक है? तो आप वीडियो को एंड में खुद ही स्किप करके भी देख सकते हो। चलिए बात करते हैं, ये मेघालय की भर्ती आई है। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल, स्टोरकीपर, ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए। 17.5 से 21 साल होगी जनरल ड्यूटी, सबके लिए 23 साल। अब यहाँ पे हाइट आप देख सकते हो, 160 है, 157 है, 157 है, और बाकी सबके लिए क्लर्क ट्रेडमैन के लिए 160 है। वेट 48 kg चलेगा। चेस्ट 77, फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। जीडी में 10वीं पास चाहिए होती है और 33% मार्क्स चाहिए होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, बस ये कंडीशन है। और 45% ओवरऑल आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, 45% मिनिमम परसेंटेज चाहिए। टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भैया 12वीं पास साइंस में होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए। आपकी टोटल परसेंटेज 50% होनी चाहिए। बात करें जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश या फिर कोई और सब्जेक्ट होगा, तो मिनिमम सब में 40% होने चाहिए। वही दूसरी तरफ अगर आपने 12वीं विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी या इंग्लिश के साथ किया, तो आप तब भी यहाँ पे एलिजिबल है, परसेंटेज सेम है। टेक्निकल के लिए 12वीं विद साइंस ही चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिर्फ मैथ इसमें एडिशनल डाल दिया हुआ है, ऊपर बायोलॉजी वगैरह थी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सेम परसेंटेज है। क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 12वीं में 60% चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और हर सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। आपने इंग्लिश के साथ मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, ये 12वीं के अंदर पढ़े होने चाहिए। ट्रेडमैन 10वीं पास सिंपल 33% के साथ, और 8वीं पास वाले भी 33% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके। और अगर आप लोग इस पेज पे आते हैं तो आपको इस पेज पे एक बेनिफिट होगा कि आप लोग यहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी सीख सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस दे रहा हूँ काफी सारी जो आपको हेल्प करेंगी इंडियन आर्मी की, तो ये वीडियो भी देख लेना। बाकी यहाँ पे क्लिक करके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाना। देखिए कभी कभी ऐसे आ जाता है तो गो टू होम पेज पे चले जाना होता है, तो ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जाके उसके बाद यहाँ पे जेसीओ पे रजिस्ट्रेशन करके तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हो। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो हमारी ये वाली वीडियो जो है कंप्लीट देख लेना, इसमें मैंने कंप्लीटली आपको सिखाया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और क्या है इसके लिए। तो मेघालय की ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से शुरू होने वाली है, यानी कि कल से, आज से शुरू नहीं हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसके लिए अगर आपको किसी ने गोद लिया है, आपके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है, या फिर स्पोर्ट्स का नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आपको 2-2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी। 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, स्पोर्ट्स वाले को 3 सेंटीमीटर की, और वेट में 2-2 kg, और स्पोर्ट्स वाले को 5 kg की छूट। रनिंग तो आपको पता ही है 60 मीटर की आपकी होगी होगी, और 60 मार्क्स एक ग्रुप बनता है, 48 मार्क्स दूसरा ग्रुप बनता है। अब जो ग्रुप 1 होता है, अगर वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कोई रनिंग कंप्लीट करता है तो उसको 60 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर आप 31 से 45 सेकंड यानी कि 15 सेकंड ज्यादा ले लेते हो तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं, 4:50 में, 4:60 में ही तकरीबन रनिंग कंप्लीट कर देते हैं, तो आप अपना स्टेमिना 5 मिनट का बना के जाइएगा। उसके बाद एक जंप होता है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते। फिर उसके बाद ना पुलअप्स होते हैं, मतलब एक डंडा होता है उसको पकड़ के लटकना होता है आपको, तो वो 40 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे 10 के। अगर आपने 9 मारे यानी कि एक कम मारा तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलेंगे, 6 मारोगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। तो ये कंडीशन है, ठीक है? कोशिश करो अपने 9-10 मारने की, बिल्कुल कम ना करें, ठीक है? जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर सिर्फ चल के बताना है, टेढ़ा मेढ़ा डंडा होता है, बस आपने चल के दिखाना है, बस
देखो, अगर आप सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर जैसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, ना कि फिजिकल के ऊपर, ठीक है? फिजिकल में जीडी वाले जो होते हैं ना, उनको फोकस करना होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये हो गई रनिंग, भर्ती में हो गई रनिंग। जब आप रनिंग करने जाओगे एडमिट कार्ड के साथ, फिर आपकी हाइट वगैरह को नापा जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, और लास्ट में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। भर्ती में आपके एडमिट कार्ड हो गया आपके पास और मार्कशीट होनी चाहिए रनिंग तक, उसके बाद ही आपको आधा पौना घंटा दे देते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आपने बनवाने को दिया है तो इसकी रसीद ले जाइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्कूल करेक्टर नहीं चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, अनमेरिड सर्टिफिकेट जीडी वालों के लिए चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एनसीसी का नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का नहीं चाहिए, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ले जाना, इसमें से कोई भी एक चीज। वहीं दूसरी तरफ एक 10 रुपए का एफिडेविट बनता है, ये आप तहसील से बनवा लो, कोर्ट से बनवा लो, आपको वहां पे बना देंगे। उनको बोलिएगा इंडियन आर्मी की भर्ती देखनी है, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए होगा वो बोलेंगे क्या टाइप करके दें, तो उनको बोलना ये चीज मुझे टाइप करके दो फोटो लगा के, ठीक है? तो ये कंप्लीटली फॉर्मेट है जो पीडीएफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे मुझे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो देखो इस पेज पे जब आप आओगे तो मेघालय सर्च करना, क्या सर्च करना, मेघालय, मेघालय आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दे दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, डॉक्यूमेंट हो गए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप लोग इस पेज पे कैसे आओगे, अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सिंपल सा गूगल में जाके समझ आया क्या सर्च किया करो, समझ आया क्या .in, उसके बाद देखो ये पहला पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे सबसे पहले इंडियन आर्मी भर्ती शेड्यूल आता है। इसके अलावा भी कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब चल रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप भर्ती में जाना चाहते हैं कोई भी, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट आपके लिए SSC में भी वैकेंसी चल रही है जिसकी लास्ट 20 मार्च 2020 है। 10th 12th ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। असम पुलिस के अंदर भी 1283 पोस्टें आई हुई है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?